एक 4 बच्चे की माँ पाकिस्तान से यूएई और नेपाल होते हुए इंडिया अपने प्रेमी से मिलने आ गई और तभी से सोशल मीडिया और इंडियन न्यूज चैनल पर एक ही न्यूज दिखाई जा रही है, सीमा हैदर की। अब सीमा और सचिन मीना ये समझ रहे थे कि ये कोई फिल्म है, इंडिया आ जाओ, हिंदू बन जाओ, बस फिर क्या आप भारतीय नागरिक। लेकिन शायद मैडम को ये नहीं पता था कि कानून भी कोई चीज होती है। इसी वजह से जब एटीएस ने इन्हें पकड़ा तब इनकी हवाबाजी शांत हो गई। 3 दिन पहले एटीएस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। तभी से सीमा से लगातार पूछताछ हो रही है और मैडम जो न्यूज में बोल रही थी अब अपने बयानों से पलट गई हैं। इनकी हर दिन कोई न कोई नई कहानी सामने आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पहले कहा था कि गुलाम हैदर से इनकी जबरदस्ती शादी हुई, फिर एटीएस को इन्होंने बताया कि गुलाम हैदर से इन्होंने भाग कर शादी की, और जब गुलाम हैदर का बयान एटीएस ने कॉल पर लिया तब गुलाम हैदर ने बताया कि सीमा का भाई और चाचा दोनों ही पाकिस्तान आर्मी में हैं, और इसी बात के चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये कोई जासूस हो। क्योंकि सोचने वाली बात है, जिस औरत ने बताया कि वो कभी स्कूल नहीं गई, वो औरत पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ पहले दुबई आती है और फिर नेपाल, और नेपाल से दिल्ली बाई बस आ जाती है। ये पूरा आइडिया सचिन के दिमाग में सीमा ने डाला था, क्योंकि सचिन तो एक 8वीं फेल सीधा साधा लड़का है जो कि पाकिस्तान की गोरी औरत को देखकर फिसल गया। बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है। अब पूरी कहानी क्या है, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखना। पहले देखते हैं सीमा हैदर की अर्ली लाइफ के बारे में। दक्षिण पाकिस्तान के खैरपुर में रहने वाली सीमा के परिवार में इनके माता पिता और 3 बहनों में एक बड़ा भाई है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। जब ये छोटी थी तब इनकी माँ की डेथ हो जाती है और 17 साल की उम्र में ये गुलाम हैदर नाम के शख्स के साथ भाग कर शादी कर लेती है। हालांकि इन्होंने पहले ये बताया था कि इनके पिता ने इनकी शादी जबरदस्ती गुलाम के साथ कराई है। अब गुलाम के साथ ये कराची आती है और वहाँ किराए के घर में रहने लगती हैं, और गुलाम कराची में रिक्शा चलाने का काम करता है। समय बीतता है, एक के बाद एक इनके 4 बच्चे हो जाते हैं, 1 लड़का और 3 लड़कियां। अब एक रिक्शा वाला बेचारा कितना पैसा कमाता होगा ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार बढ़ने की वजह से गुलाम ने डिसाइड किया कि वो सऊदी अरब काम करने जाएगा, जहां उसे ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। 2019 में सऊदी अरब जाने के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो सारे लोग अपने घरों में पैक हो गए, और उसी बीच सीमा भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती थी। पहले तो ये दिन भर टिकटॉक चलाती, कैंडी क्रश खेलती, लेकिन कुछ दिन बाद इसे पबजी खेलने की लत लग गई। और पबजी खेलते खेलते पहले तो इन्होंने यूपी बिहार के कई लड़कों से दोस्ती की, लेकिन इनके झांसे में कोई लड़का नहीं आया। लेकिन ग्रेटर नोएडा के रूपपुरा इलाके में रहने वाला सचिन मीना इसके झांसे में आ गया और दोनों में प्यार हो गया। अब हर दिन घंटों तक ये पबजी खेलते और पबजी के जरिए इनकी बातचीत होती। ये जो सचिन मीना है वो तो 8वीं फेल एक लड़का है और अपने इलाके में ही एक परचून की दुकान में काम करता था, लेकिन कोविड के बाद इसके पास कोई काम नहीं बचा और ये भाई साहब पूरा दिन पबजी खेलते रहते, और इसी वजह से इनकी जिंदगी में ये बवाल आ गया। असल में हुआ ये था कि 2022 में सीमा के पिता की डेथ हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है, और इसी चीज की सांत्वना देने के लिए सचिन ने उससे मिलने के लिए कहा, और वहीं इनके मिलने की स्टार्टिंग शुरू होती है। सीमा का कहना है कि पहले उसने अपना पासपोर्ट बनवाया, फिर फरवरी 2023 में इंडिया की वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इसने दूसरा रास्ता निकाला और 8 मार्च 2023 को ये सबसे पहली बार अपने बच्चों को वहीं पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़कर पाकिस्तान से यूएई आती है और फिर वहां से नेपाल आती है। यह सचिन भी इससे मिलने के लिए नेपाल चला जाता है। 2 दिन साथ रहने के बाद 11 मार्च को ये दोनों नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये तुरंत पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद ये फाइनली उसी रास्ते से यूएई के शारजा होते हुए वापस नेपाल आती है। इस बार ये पूरी प्लानिंग से आई थी अपने बच्चों के साथ, और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए इसने अपने पति गुलाम हैदर का घर बेच दिया था, जो कि उसने सऊदी जाकर खरीदा था। अब यहाँ 2 बातें हैं। गुलाम हैदर के अनुसार सीमा ने उसके पैसे से खरीदा हुआ घर बेच दिया, जबकि सीमा का कहना है कि उसने अपने पेरेंट्स की जमीन का एक टुकड़ा बेचा है। अब इसमें सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जाने। नेपाल से इन्होंने पोखरा से दिल्ली जाने वाली बस पकड़ ली, और जब कंडक्टर ने इनसे पूछताछ की तब इन्होंने अपने बच्चे का नाम हिंदू बताया और अपना नाम सीमा बताया। अब सीमा नाम तो भारत में वैसे ही कॉमन है, और इनके इंडियन साड़ी और सिंदूर को देखकर कंडक्टर को भी ज्यादा शक नहीं हुआ और उसने जाने दिया। अब सीमा की इस कहानी में गौर करने वाली बात यह है कि एक तो आप कभी स्कूल नहीं गई, जो भी पढ़ा ट्यूशन टीचर से पढ़ा, मतलब ये अनपढ़ है। अब सिर्फ आप मुझे इतना बता दो कि एक अनपढ़ इंसान के लिए ये कैसे पॉसिबल है
कि वो बिना किसी की मदद के सहारे यूएई का वीजा लेती है, वहां से नेपाल का वीजा लेकर नेपाल पहुंचती है और वहां से चोरी छिपे इंडिया आती है। इतना सब सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास पहले से ही ठीक ठाक पैसा था, क्योंकि अब हस्बैंड सऊदी में है, पूरी आजादी है। तो फिर इन्होंने एक बेरोजगार लड़के से शादी करने के लिए अपने और अपने बच्चों की लाइफ का रिस्क क्यों लिया? और ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी शादी पहले भी लव मैरिज हुई थी और दूसरी भी इन्होंने लव मैरिज ही की। अब इन जैसे लोगों के लिए प्यार का इतना महत्व नहीं होता, अगर सच में होता तो ये अपने पहले पति को धोखा नहीं देती। आपका जासूसी दिमाग इस बारे में क्या कहता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें पुलिस और सरकार को कैसे पता चल गई, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद और सिक्योरिटी को चकमा देने के बाद ये आराम से रह रहे थे और नोएडा में जहां इन्होंने मकान किराए पर लिया था उस मकान मालिक को भी इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यकीन दिला दिया था कि ये सच में इंडिया ने और इनसे किसी भी प्रकार की दिक्कत मकान मालिक को नहीं होने वाली। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये सब बातें छुपाए नहीं छुपती। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आज नहीं तो कल इन्हें डॉक्यूमेंट्स बनवाने ही पड़ते, क्योंकि बच्चों के स्कूल, सीमा के इंडियन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो पड़ती ही। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये एक वकील के पास गए और इन्होंने अपनी परेशानी बताई। वकील ने सीमा और उसके बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखा तो उसने इंडियन वीजा के बारे में पूछा, लेकिन वीजा की बात सुनते ही सीमा वहां से चली गई। वकील को कुछ गड़बड़ लगा तो उसने अपने असिस्टेंट को इनके पीछे लगा दिया कि जाओ देखो ये लोग रहते कहाँ हैं। और मालूम पड़ने के बाद उसने पुलिस में इनकी खबर दे दी और खबर मिलने के तुरंत बाद यूपी पुलिस ने सीमा को इलीगल देश में आने के लिए और सचिन को और उसके परिवार को इस क्राइम में सीमा का साथ देने के लिए और अपने घर में रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद इसको जमानत मिल गई। और ये सब बात जब मीडिया में फैली तो तभी से सीमा न्यूज में चल रही है। कुछ लोग खुले तौर पर सीमा को जासूस बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो प्यार के खातिर सचिन के पास आ गई और सीमा के हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने की वजह से कुछ लोग उसके स्वागत की बात कर रहे हैं, जैसे कि हिंदू महासभा ने सीमा के स्वागत की बात कही। अब आजकल भारत में क्या एक मुस्लिम महिला एक हिंदू लड़के से शादी करके हिंदू बनती है तो उसे पब्लिक सपोर्ट मिलता है, देश के बड़े बड़े संगठनों का साथ मिलता है, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े नेता भी सपोर्ट में उतर आते हैं। और ये चीज सीमा बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे किस तरह इंडिया पहुंचकर हिंदू बनना है, पाकिस्तान की बुराई करनी है और लोग अपने आप उसे सपोर्ट करने लगेंगे। एंड थैंक यू इंडियन मीडिया जो कि फैक्ट्स की बातें ना कर कर ये दिखा रही है कि सीमा ने आज क्या पहना है, वो क्या डांस कर रही है, पाकिस्तान की क्या बुराई कर रही है, यही सब वो पब्लिक को दिखा रही है। और पब्लिक को भी बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पब्लिक ने तो उसे पहले से स्टार बना दिया है। वह भी सरकार से बार बार ये कह रही है कि कुछ भी करके मुझे नेशनैलिटी दे दो, जो बोलोगे वही करूंगी। वहीं गुलाम हैदर भी बार बार इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके बीवी बच्चों को वापस लौटा दिया जाए। हर जगह बस न्यूज में सीमा हैदर ही छाई हुई हैं और कुछ लोगों की मेहरबानी से आजकल वो किसी स्टार से कम नहीं, इसलिए उसने गुलाम हैदर से कहा है कि यहाँ पर लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो हैदर भाई, क्या कहते हैं, हम दोनों खुश हैं, यहाँ हमें रहने दो, खुशी से रहने दो, प्लीज हमें रहने दो यहाँ पर। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो न्यूज चैनल वालों को मसाला चाहिए और वो मसाला सीमा उन्हें भर भर कर दे रही हैं। अब असली सच क्या है ये तो हमें आगे एटीएस ही बताएगी, ये जासूस है या नहीं, या ये इंडिया में रह भी पाएगी कि नहीं, ये सब हमें आगे मालूम पड़ ही जाएगा। बाकी आप लोग अपना ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।